हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इस मार्केट के गिरावट में हमें ऐसे स्टॉक्स लेना है जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, मोनोपोलिस्टिक हो और लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करें तो हमें नुकसान नहीं फ़ायदा ही ज़्यादा होगा। ऐसी कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग के सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि बैटरी रिसाइकल करती है, प्लास्टिक रिसाइकल करती है, एल्यूमिनियम रिसाइकल करती है। आप जानते हैं जितनी भी बैटरीज होती है बाइक की, कार की या इन्वर्टर की, वो ख़राब होती है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो फिर से रिसाइकल होकर उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कंपनीज लाइक अमारा राजा, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, ऐसे कंपनियों को फिर से बेचा जाता है। तो ये बैटरी रिसाइकल करने का काम ये कंपनी करती है जो कि मोनोपोलिस्टिक है। इनके प्लांट इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है और इंडिया में भी इनके 2 नए प्लांट शुरू हुए हैं रिसेंटली, तो उसका जो रिजल्ट है क्वार्टर रिजल्ट भी हमें आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसी के लिए आपको इस स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 256 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 400 रुपीज़। इसका पी है ओनली 12 का एंड ईपीएस है 21 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1। कंपनी का और एक प्लांट का काम चल रहा है तो डेट है जो कि आने वाले दिनों में हमें घटते हुए दिखेगा। फ्रेंड्स, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का ग्रो फ्यूचर प्लान अच्छा है कि नहीं, तो इसका वन ऑफ द बेस्ट है और देखेंगे तो इनका जो ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसका प्रमोटर होल्डिंग है 73% एंड FII होल्डिंग है 1.20% एंड DII का होल्डिंग है 0.15%। इसके शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है 370 रुपीज़ और हमें मिल रहा है सिर्फ 256 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 21 में प्रॉफिट था 21 करोड़, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 39 करोड़ एंड मार्च 22 में प्रॉफिट था 41 करोड़। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि लगातार इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस कंपनी के शेयर्स आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी मार्केट रिकवर होगा इस शेयर में भी आपको ज़बरदस्त तेजी दिखेगी और बहुत फास्ट ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।